जनता दल यू के दलित महादलित कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। आज जिले का समापन कार्यक्रम गया के इस पुण्य धरती पर किया जा रहा है, जहां दलितों और महादलितों के उत्थान के लिए हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके शैक्षणिक संबल का, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा का, उनका आर्थिक संबल का, उनके शैक्षणिक विकास के लिए जो काम किए, उस कामों का ये आलम है कि आप देख रहे हैं कि इस मैदान और ये हॉल तो भर ही गया है, बाहर का मैदान भी फुल हो रहा है, लोग आने पर आतुर हैं और अपने नेता नीतीश कुमार जी में अपनी ताकत को जोड़ करके एहसास करा रहे हैं। पूरा इस जिला का दलित महादलित एक साथ नीतीश कुमार जी के साथ। सर गुजरात के मामले में क्या कह रहे हैं, जिस तरह बिहार के मामले में उसकी निंदा करता हूँ, जो भी लोग हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है, इन चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी लोग हो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर बाकी सरकार गुजरात के मामले में सुरक्षा के कई दावे किए जा रहे हैं और अभी भी बिहारी पलायन कर रहे हैं वहाँ। मैं कह रहा हूँ कि भारत के संविधान में साफ है, कोई भी भारत के सीमा में कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। अगर कोई संविधान का विरोध करता है, संविधान का उपहास उड़ाता है, ऐसे लोगों पर संविधान के तहत राज्य सरकारों को अधिकार है तत्काल कार्रवाई करे, सजा दे और ऐसे लोगों को जेलों में शिकंजों में डालने का काम करे। जिस तरह की राजनीति हो रही है वहाँ, जिस तरह की अल्पेश ठाकुर जैसा बताया जा रहा है कि उनके लोग, और सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें उन लोगों को गिरफ्तार। उम्मीद के अनुसार काम नहीं करते क्या करेंगे? उम्मीद के अनुसार अगर काम नहीं करते गुजरात सरकार तो क्या करेगी? निश्चित करेगी, करना होगा, मजबूरी है उनको करना। बिहारी हरदम बिहार के लिए रहा है और बिहारी की अस्मिता की पहचान देश में रही है। बिहार को कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता, बिहार को लोग प्रताड़ित नहीं कर सकता। प्रताड़ित करने वाले कहाँ चले गए, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में MNS आज कहाँ पर खड़ी है। जो लोग करेंगे वो धूल में मिल जाएंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सम्मेलन के कि पूरा दलित महादलित यूनाइट होकर के लिए बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कर दिया है वो करें, अपने को आर्थिक संबल बने, सरकार की योजनाओं का लाभ लें, लाभ लेकर आर्थिक संबल हो, शैक्षणिक विकास हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो और वो टोले थे जो सबसे पीछे मैदान पर है उन लोगों को इस लाभ से लोगों को दिलाया जाए, वंचित नहीं रहा।